नाज़रीन पैरामेडिक्स की बात करेंगे। पैरामेडिक्स की दूसरी किस्त ने बड़े बड़े नामों से पर्दा उठा दिया है। 250 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। सैफुल्ला खानदान के 7 अफराद के पास 30 से ज्यादा कंपनियां हैं। बरतानिया का वर्जिन आइलैंड पाकिस्तानियों की जन्नत निकला। पनामा लीक्स ने फिर से तहलका मचा दिया है। बड़े बड़े पाकिस्तानियों के राज अफशा हो गए। जो अरबों डॉलर के मालिक निकले वो भी बैरून मुल्क। असासे इकट्ठे किए जाएं तो 50 अरब डॉलर से भी जायद के बने। 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने 3 मुल्कों बरतानिया, बहामास और पनामा में ऑफशोर कंपनियां बनाई। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड तो पाकिस्तानियों की जन्नत निकला, जहां 193 शहरियों की कंपनियां हैं। शहर कायद के 182 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं, जबकि लाहौरिये भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं, जिनकी तादाद 100 से जायद है। पाकिस्तानी फैमिलीज की बात करें तो उसमें सबसे आगे सैफुल्ला खानदान का नाम आता है, जिसके 7 अफराद के नाम पर 30 से जायद कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि जावेद सैफुल्ला 17 कंपनियां लेकर इस लिस्ट में टॉप पर हैं। मशहूर सियासी शख्सियात में मुस्लिम लीग काफ के मुनसिलाही और साबिक वजीर अनवर सैफुल्ला खान ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। नई लीग में मीर शकीलुर रहमान, बिजनेसमैन आफ्ताब लखानी, जावेद लखानी, इरफान पुरी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शौकत अहमद और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चनाई की वालदा सबा उबैद के भी नाम शामिल है। पनामा लीक्स की दूसरी किस्त के मुताबिक सबसे पहले कंपनी 1988 में मियां जियाउद्दीन तूर और आखिरी 2015 में माजी सदीकी दाऊद के नाम से रजिस्टर्ड हुई। 2007 में सबसे ज्यादा 27 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की गई।